हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में वापसी के बाद शुभमन गिल को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए गुजरात टाइटंस का कप्तान बना दिया गया है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। दक्षिण अफ्रीका के महान खिलाड़ी और पूर्व रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर स्टार एबी डिविलियर्स को लगता है कि जहां शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस का नेतृत्व करते देखना रोमांचक होगा, वहीं एक अन्य अनुभवी स्टार को आईपीएल 2024 फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने का मौका दिया जा सकता था। एबी ने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का नाम लिया है। एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ऐसा लगता है कि मुझे एक नेता के रूप में शुभमन गिल के कौशल व क्षमता पर संदेह है, लेकिन जैसे ही मैंने केन विलियमसन का नाम एक रिटेन किए गए खिलाड़ी के रूप में देखा, मैंने सोचा कि एक अनुभवी खिलाड़ी को कप्तान की भूमिका देनी चाहिए थी। डिविलियर्स ने आगे गिल की तारीफ करते हुए कहा, एक खिलाड़ी के रूप में शीर्ष शिखर में शानदार भूमिका के साथ इनके लिए कप्तानी करने का मौका भी है। आईपीएल में एक अच्छा सीजन बिताने के लिए गिल को मौका दिया जाना चाहिए। वहीं विलियमसन ने भी गुजरात टाइटंस के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, गिल को कप्तान के रूप में उतारने का फैसला ठीक है, लेकिन इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह गलत है, मैं कह रहा हूं कि यह शुभमन के लिए बस थोड़ा सा सीखने और जानने का एक शानदार अवसर था। वह 2025 में कप्तान की भूमिका निभा सकता था, फिर भी मैं उन्हें प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए देखने के लिए काफी उत्साहित हूं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।